हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज संजीव। सो आज संडे, आज नो वर्कआउट नो जिम, हमेशा की जैसे संडे कुछ स्पेशल। सो आज एक शख्स से मिलने जा रहे हैं गाइस, और इस इनके बारे में क्या कहना है आपको, मैं आपको बताऊंगा कौन है ये। इनको आप इनके लिए आए, मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है गाइस, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इट्स वेरी लाइक जेन्यून क्रिस्प टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। 8-9 ईयर्स बैक से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और आई कैन सी वो स्टिल उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है एकदम क्लियर एंड क्रिस्प होता है। सो लेट्स गो एंड मीट हिम, देखते हैं वो हमसे पर्सनली मिल सकते हैं या नहीं। अगर मिलेंगे आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ हिम। इंट्रोडक्शन मुझे देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कौन है वो, बट लेट्स ट्राई टू मीट पर्सनली। ओके, चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट जर्नी। सो इवेंट 11 बजे का है गाइस। सो हमें घर से निकलना था 9:30 वैसे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा होता है, इवन हाईवे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो इवेंट जस्ट 25-26 किलोमीटर अवे अपने घर से, सिर्फ 25-30 किलोमीटर है, पर गूगल में बता रहा है मोर देन 1 आवर। सो देखिए क्या हाल है ट्रैफिक का। सो देखते हैं, थोड़ा लेट हो गए निकलने में। वी स्टार्टेड बाई 10 o'clock एंड 11 o'clock इज द इवेंट। Hopefully we will reach. छोटा सा पोपट हो गया है हमारे साथ। एक्चुअली हमने टाइमिंग देखा था 11 o'clock, पर हमने इतना जल्दी जल्दी वहां से दौड़ के आए, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि इवेंट 11 के बजाय 1 o'clock हो चुका है, और हमें कुछ इंटीमेशन भी नहीं था। तो क्या करें, थॉट ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर। नज़दीक में एक मॉल है बंजारा हिल्स में, GVK मॉल। तो यहाँ पे आके घूमने, देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर। सोचे एक दो घंटा या एक डेढ़ घंटा यहाँ पे स्पेंड करते हैं, जिससे कि अपना टाइम निकल जाए। और देखिए यहाँ पे मॉल का स्पेशलिटी एक्वेरियम होता है, जब भी मैं आता हूँ एक्वेरियम देखिए आप, इस पर बहुत बड़ा एक्वेरियम है। यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस इन द Species, they'll be changing, right? Or that only? So, आ ही गए मॉल को, तो देखते हैं कुछ शॉपिंग करने का। बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरे शूज खराब हो गए यार, सो लेट्स सी इफ वी कैन बाय सम शूज। यहाँ पे अपने को नाइकी का शोरूम है एंड रिबॉक, सो विल चेक आउट इन नाइकी फर्स्ट, क्योंकि नाइकी बहुत कंफर्टेबल होता है मेरे लिए। सो विल चेक फ्रॉम नाइकी, कुछ पसंद आया तो उठाते हैं, और एल्स विल चेक अदर ब्रांड ऑल्सो। सो गाइस, फाइनली वी स्पेंट 1.5 आवर, एक घंटा तो बिता ही चुके हैं मॉल में। सोचा था शूज़ ले ही लूँ, बट जो शूज़ अपने को पसंद आया साइज़ अवेलेबल नहीं था, जो अवेलेबल था वो मॉडल पसंद नहीं आ रहा था। सो फाइनली कुछ ख़रीदा तो नहीं, बट या इट वॉज लाइक टाइम पास काइंड ऑफ थिंग। चलो अब निकलते हैं फिर बैक टू द इवेंट। अभी इट्स गोइंग अबाउट टू 1 o'clock, सो इवेंट का टाइम 1 to 5 है। लेट्स सी, मैं आपको वीडियो में बताते रहूँगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइस, एक्चुअली इवेंट है अपने गुरु माँ का। सो ही इज़ इन हैदराबाद, सो ही केम टू इंडिया टू कंडक्ट 21 इवेंट्स इन 21 स्टेट्स, सो उसमें से हैदराबाद भी एक है। सो वी आर हियर इन दिस इवेंट, सो लेट्स सी, अगर मौका मिले तो पर्सनली मिल के आपको अपडेट दूंगा, और एल्स At least we attended. What's up, guys? This is fun. Again, उनको लगता था कि पैसा वापस नहीं आएगा। दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, किसने हेल्प नहीं की। So, my credit cards were tapped. Passion कैसे कंटिन्यू करूंगा? Big pressure. मुझे मालूम था जो मैं आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से धुआं निकल रहा है, और जब धुआं निकलता है तो धुआं आंखों से पानी निकालता है, और कोई पास खड़ा होना नहीं चाहेगा धुएं। लेकिन आग जलाने वाले को मालूम होता है यहाँ चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी से एक आग निकलेगी, और जब आग निकलेगी तो धुआं खत्म हो जाएगा, और सबसे पहले आपको उसका सेक मिलेगा, बाद में सारे उसका सेक लेना लेने आते हो। भीड़ की हाल क्या हो गई यहाँ पे, आउट ऑफ कंट्रोल। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई पर्सन। आज का दिन, आज का संडे, इट वॉज ऑल अबाउट गुरुमान मीट।
वॉज लेट, 2-2.5 घंटे लेट आए, उनको शायद फ्लाइट डिले हो गया या क्या हुआ पता नहीं, पर 2-3 घंटे डिले था उनका मीट आज, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था वेटिंग करने के लिए। मैं सोचा था चलो निकलते हैं, शायद कैंसिल हो गया पता नहीं, पर जब आए जो वाइब्स आ गए ऑडिटोरियम में, इट वॉज लाइक आउटस्टैंडिंग। और जो उन्हें स्पीच देना शुरू कर, जो अपना लाइफ स्टाइल बताया, इट्स लाइक रियली मोटिवेटिंग। सो गाइस, अपन जब किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते उसका सिर्फ करंट कंडीशन देखते, करंट पोजीशन देखते, उनका सोचते कि वो कितने सक्सेसफुल है, कितने आगे बढ़ चुके हैं, पर उनका पिछली ज़िंदगी भी देखना चाहिए गाइस, कितने स्ट्रगल करके आप वो कोई सक्सेसफुल इंसान उस स्टेज तक पहुँचे, जिससे कि अपने को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आप उनका फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुआ कैसे, वो अपने पैशन के पीछे लगे हुए थे हमेशा, आगे अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके, अपने हर एक इंसान के अगेंस्ट जाके, हर हाउ वी फेस द स्ट्रगल इन लाइफ, एंड कैसे उनको कोई साथ नहीं दिया था, इवन फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग। सो उसके छोटे छोटे शॉर्ट्स मैंने डाल दिए हैं वीडियो में, आप देख सकते हो। सो इट वॉज रियली गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, बट थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन कि मुझे थोड़ा उनसे पर्सनल फोटोग्राफ्स या कुछ मिलने का मौका नहीं मिला, बिकॉज क्राउड ज़्यादा होगा। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हैदराबाद में, मैं सोचा चलो हैदराबाद में थोड़ा कम रहेगा क्राउड, बट इट वॉज क्वाइट अपोजिट। सो जैसे हमने मैंने बताया वीडियो में कैसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था क्राउड लास्ट में, एंड इट वॉज वेरी प्रॉब्लम फॉर हिम ऑल्सो टू मीट विथ ईच एंड एवरी पर्सन। सो देखते हैं फ्यूचर में कभी मौका मिले तो फिर कभी पर्सनली मिलते सर से, बिकॉज लाइक ही इज़ रियली मोटिवेटिंग गाय, इनका जो भी सोसाइटी की हेल्प करने का जो भी इरादा है, इट वॉज रियली क्वाइट ऑसम। कुछ दिनों से प्लानिंग चल रही है कि गाड़ी चेंज करते हैं, और सोच रहा हूँ कि इस बार SUV ले लेंगे कुछ। इसके लिए मैंने 2-3 गाड़ियाँ देखी है, एक वेन्यू Hyundai वेन्यू एंड वरना, और अपने रास्ते अपने घर के रास्ते में एक स्कोडा का शोरूम भी गिरता है, तो सोचा है कि कुशाक को भी देख लेते हैं। कुशाक का कलर वगैरह बहुत अच्छा लगा था मेरे को, मैंने रोड पर देखी थी गाड़ी। सो देखते हैं इसके फीचर्स और मॉडल्स और प्राइस, लेट्स चेक। सो जैसे कि मैंने कहा है, मैंने क्रीटा देखी है, वेन्यू देखी है, अब थोड़ा इस पे मेरी नज़र गिरी थी गाइस, आई लव दिस कलर कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा कलर है इस गाड़ी का एंड इट्स ब्रांड, और इंटीरियर देखिए इसका, इट्स लाइक कम्प्लीटली प्रीमियम। सो इफ आई एम थिंकिंग टू गो दिस व्हीकल, सेफ्टी फीचर्स में वो बहुत अच्छा रहेगा, और इट हैज 1 लीटर टर्बो इंजन, सो यू कैन सी द इंटीरियर्स। ये मॉडल कुशाक का मोंटे कार्लो बोल के एक नया सा लॉन्च हुआ, इसका इंटीरियर्स कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग विल बी लाइक अपडेटेड, सो बड़ी अच्छी लगी है गाइस। तो देखते हैं एंडिंग में कौन सा डिसाइड करते हैं, मे बी आई मे गो फॉर दिस व्हीकल अगर सब कुछ अपने हिसाब से चला तो, प्लानिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे संडे लॉग, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो गाइज, स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।